पेनल्टी फॉर पब्लिशिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉल्स इन सर्टेन पर्टिकुलर्स, कुछ विशेष में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र गलत प्रकाशित करने के लिए जुर्माना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं हैकर मास्टर। यदि आपको साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं, यदि आपने अपने हस्ताक्षर या फिर किसी और के डिजिटल सिग्नेचर को ऑनलाइन यदि प्रकाशित किया, मतलब किसी और जगह पे आपने उस सिग्नेचर का इस्तेमाल किया या फिर किसी और सिग्नेचर का इस्तेमाल किया, किसी और पर्सन का इस सिग्नेचर का इस्तेमाल किया, एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। यदि आपने कोई एक बुक वगैरह लिखा और उसमें पब्लिकेशन की जगह पर या फिर आपने कोई जो उसमें राइटर ऑथर है उसका सिग्नेचर का उसमें इस्तेमाल किया डिजिटल फॉर्मेट में, तो उस चीज़ के लिए आपको आप पर यह सज़ा हो सकती है। इसी सबसे रिलेटेड ये सजा है, कभी भी डिजिटल सिग्नेचर का आप इस्तेमाल गलत तरीके से ना करें, तो इस सेक्शन में इसीलिए ये सब कहा गया है, तो इसीलिए इस सेक्शन को बनाया गया है। ये सेक्शन है आईटी एक्ट अमेंडमेंट 2008 सेक्शन 73। इसमें यदि दंड की बात करूं तो 2 साल की सजा हो सकती है और 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें क्योंकि ये बहुत बड़ी अवधि होती है, बड़ी तो नहीं, सभी के कंपेयर में ये कम है, लेकिन 2 साल कम नहीं होते हैं और 1,00,000 रुपए भी कम नहीं होती है। यदि आपने इसी सेक्टर में कुछ हाई लेवल का कर लिया तो आप दोनों के हकदार हो। बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच टू स्टे विद मी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एक मिनट, अगला टॉपिक रहेगा आईटी एक्ट अमेंडमेंट 2008 सेक्शन 74।